ओके सो आज हम बेसिकली वो जो डायग्राम हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो वो कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है गालिबन ये, ठीक। तो अब हम चूंकि करने लगे हैं जी एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, यानी इससे पहले हमारे पास फ्लो यही था, यूए से एक एक्शन डिस्पैच हुआ और वो एक्शन जाके सीधा के सीधा उसने स्टेट कहाँ से चेंज की, रिड्यूसर में चेंज की, क्योंकि सारी की सारी स्टेट कहाँ पड़ी होती थी, स्टोर के अंदर यानी रिड्यूसर में। तो अब ये बाइड केस है कि जिसमें हम कोई भी चीज मिसाल के तौर पे कोई नया टू डू लाएंगे, तो अभी तक हमने सर्वर साइड से डेटा लाने की बात नहीं की, यानी मैं अगेन आपको फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस वो जो जेसन प्लेस होल्डर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी की एग्जांपल दूंगा, क्योंकि हमने अभी बैकएंड अपना तो पढ़ा ही नहीं है। तो लेट्स सी कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू डूज, चूंकि हम टू डूज की ऐप बना रही है तो हमारे पास 200 टू डूज पहले के बने हुए पड़े हुए। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी इस स्टोर को पॉपुलेट करूंगा, और टेक्निकल टर्म यूज होती है हाइड्रेट करूंगा, मैं अपनी स्टेट को हाइड्रेट करूंगा विद द डेटा दैट वुड कम फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। तो अगर तो ऑलरेडी डेटा जो है वो आपका स्टोर में मौजूद हो तो फिर तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जो कि अभी तक केस चल रहा था और हमने वो देख भी लिया, सारे क्रड ऑपरेशंस के लिए हमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब चूंकि डेटा हमारे स्टोर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें क्या करना है, हमें अपनी जब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो वी वांट कि जी हमारा डेटा रिमोट सर्वर से ब्रिंग हम उसे मतलब फेच करें, और फेच करने के बाद अपनी जो रिडक्स की स्टेट है उसको क्या करें, हाइड्रेट करें या पॉपुलेट करें। पॉपुलेट करें या हाइड्रेट करने का मतलब ये है कि डेटा रिमोट से लाके अपनी लोकल स्टेट में फिल करें। उसके लिए एक और डायग्राम है, और वो डायग्राम है बेसिकली मैं आपको जो क्यूरी कर रहा हूँ, आपने क्यूरी पे फिलहाल फोकस नहीं करना, बिकॉज थंक और मिडल वेयर आपको तब समझ आएगा जब आप उस डायग्राम को देख कर सारा कुछ मेरी मुझे फॉलो करेंगे तब, ठीक है। सो लेट मी डू दैट राइट ओवर हियर, मुझे वो डायग्राम ढूंढनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ मिलेगी। सो अगर मुझे मिल जाती है तो मैं वो डायग्राम पहले आपको समझाऊंगा और फिर मैं नॉट यहाँ पे वापस आऊंगा, ठीक है। सो लेट मी गो बैक, नॉट गो बैक इन फैक्ट, लेट मी स्क्रॉल डाउन ऑल द वे टू लुक फॉर दैट पर्टिकुलर डायग्राम, और वो डायग्राम बेसिक रिडक्स डेटा फ्लो एसिंक लॉजिक एंड डेटा फेचिंग, ठीक है, मे बी इसी के अंदर हो, क्योंकि हम क्या करने लगे हैं अभी, डेटा फेचिंग, एसिंक लॉजिक एंड डेटा फेचिंग इज मीन टू बी यस दिस वन। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एग्जैक्टली वही है, प्लस इसमें कुछ एडिशन है, यानी अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को निकाल दूं, ये जो पता नहीं कौन सा कलर है, ये तीन चीजें पर्पल कलर, और मेरी कलर की पहचान बड़ी वीक है वैसे बाय द वे, तो ये जो अगर मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करूं ना, तो लो जी इधर वो भी नहीं है मेरे पास, क्या कहते हैं इसे, लाइट शॉट, सो लेट मी डू दैट फर्स्ट, विंडो नहीं करें ना तो सारा फ्लो ही खराब हो जाए। लाइट शॉट ये तो नहीं चलेगा गालिबन, इसकी अपनी वेबसाइट, सो वी हैव टू, क्रोम भी नहीं चाहिए हमें, लाइट शॉट फ्रॉम सॉफ्टोनिक, सो असल में जिस चीज पे बंदे का हाथ बैठा हो ना उसके अलावा किसी दूसरी पे वो कंफर्टेबल नहीं होता, हालांकि बहुत सारे और सॉल्यूशंस भी हैं, बट दिस इज समथिंग विच आई रियली, डाउनलोड लाइट शॉट फॉर विंडोज, डाउनलोड है स्टार्टेड, गया किधर पे यार, अलाउ और नोटिफिकेशन नहीं करने थे, सॉरी डाउनलोड्स में नहीं आया, सो ये क्यों गया, रीलॉन्च डाउनलोड क्लोज, नहीं
चलें, क्या हो सकता है हर तरफ से मायूसी, वेरी बहरहाल। सो विंडो का अपना तो है ना, टूल भी है, मतलब सॉल्यूशंस काफी सारे, लेकिन कंफर्टेबल अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन बीच में से हटा देना। अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन बीच में से हटा दें तो ये डायग्राम सारी की सारी वही है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिडक्स आपने अभी तक समझा है दैट इज एब्सोल्युटली एप्लीकेबल, प्लस वी नीड सम एडिशनल थिंग्स। तो काम बाकी वही होगा, फ्लो शलो भी वही होगा, डिस्पैच भी वही होगा एक्शन। लेकिन अब क्या करेगा कि जब भी कोई एक्शन डिस्पैच होगा तो यहां से डायरेक्ट रिड्यूसर में जाने से पहले ये कहाँ पे बच जाएगा, बीच में एक मिडल वेयर आ जाएगा। अच्छा, मिडल वेयर का मतलब ये है कि मिडल मैन जो कोई एडिशनल टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यानी दो फरीकेन थे पहले, एक क्लाइंट था एक सर्वर था सपोज करें, तो बीच में एक तीसरी चीज आ गई जो एडिशनल लॉजिक प्रोसेसिंग करेगी। तो बेसिकली ये मिडल वेयर होता कुछ नहीं है, एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। लेकिन वो फंक्शन इंटरमीडियरी लॉजिक परफॉर्म कर रहा होता है, यानी बिफोर हाइड्रेटिंग द रिडक्स स्टेट इन द स्टोर गो टू द सर्वर फेच द डेटा एंड देन पॉपुलेट द स्टेट विद दैट डेटा दैट यू हैव ब्रॉट फ्रॉम द सर्वर। दैट इज द टास्क ऑफ द मिडलवेयर। दूसरी बात, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया और पिछले दिनों में बताया कि रिडक्स बाय नेचर एसिंक्रोनस लॉजिक को सपोर्ट नहीं करता। अब एसिंक्रोनस लॉजिक कौन सी होती है, मैंने फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझने के लिए कहा जी कि साइड इफेक्ट्स, और साइड इफेक्ट्स में मोस्ट कॉमन कि आपने कोई सर्वर पे डेटा भेज रहे हैं। और एसिंक्रोनस की भी मैंने मिसाल यूं दी थी आपको कि अगर कोई फंक्शन जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन कर रहा है, टाइम टेकिंग है, तो बजाय जावास्क्रिप्ट उस पर्टिकुलर चीज के वेट करने के जावास्क्रिप्ट अपनी एग्जीक्यूशन जारी रखे और वो जो कॉल एक्सटर्नली बाहर गई है उसको एक सेपरेट थ्रेड में मूव करे, और फिर वो जब अपना जवाब लेके आए तो एक कॉल बैक के जरिए दोबारा वो कॉल बैक क्यू में मूव करके उस लॉजिक को परफॉर्म करे और बाकी की फंक्शनलिटी रिज्यूम कर दे। व्हाट दिस डज इज कि जो एसिंक्रोनस काम है, एपीआई को कॉल करने वाला काम है, वो रिडक्स नहीं कर सकता, जिसके लिए हमने बीच में ये मिडलवेयर इंट्रोड्यूस कराया। अब इस मिडलवेयर का काम क्या है, बेसिकली ये मिडलवेयर जाएगा एपीआई को रिक्वेस्ट करेगा और ये एपीआई रिस्पांस देगी वापस मिडलवेयर के, और फिर ये मिडलवेयर दोबारा एक्शन डिस्पैच करेगा। एंड दिस टाइम टू एक्शंस आर बीइंग डिस्पैच्ड, एक डिस्पैच वो होगा जो यूआई से होगा और दूसरा डिस्पैच वो होगा जो मिडलवेयर से हमारे स्टोर में आएगा। गॉट इट? तो जब भी आप लव थंक सुने ना, या कोई आपसे इंटरव्यू में पूछे, या कोई पूछे जी व्हाट इज थंक एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, तो आप कहेंगे जी कि थंक या रिडक्स थंक एक मिडलवेयर है बेसिकली। अच्छा, पहले ही होता था, अब टूल किट की मेहरबानी है, पहले होता था कि हमें थंक एक अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती थी और उस लाइब्रेरी के बाद थंक को अलग से कन्फिगर करना पड़ता था हमें खुद। रिडक्स टूल ने क्या किया, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजों को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, तो अब हमें रिडक्स टूल किट के इस्तेमाल करते हुए हमें न तो थंक बतौर एक्सटर्नल एडिशनल लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी और ना ही हमें उसकी एक्स्ट्रा कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ अंडर द हुड ऑटोमेटिकली होगा। तो अब जब मैं कहूंगा ना ये यूं हो रहा है तो अंदर यूं हो रहा है, तो अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपने देखना ही नहीं है और वो आपसे हिडन कर दिया गया है, बिकॉज दैट वॉज अ लिटिल मोर ट्रिकी। यहाँ समी है जो पिछले बैच में थे, उनको पता है कि हमें खुद जब रिडक्स को कन्फिगर करना पड़ता था, हमने किया पिछले बैचेज में, तो हमें काफी सारा तरद होता था और काफी सारी चीजों को हमें हैंडल या मैनेज करना पड़ता था। अब वो सारा काम हमें उसकी कन्फिग्रेशन वगैरह हमें नहीं करनी पड़ती, हमें जस्ट रिडक्स टूल किट के प्रोवाइडेड फंक्शन को इस्तेमाल करना है। और अंडर द हुड क्या चीज है उसकी बेसिक्स अगर आप समझ गए मिडलवेयर क्या बला है और क्यों यूज होता है, तो मेरे ख्याल में वी आर गुड टू गो। एनीवेज, विद दिस थिंग डन, अब आप यहाँ पे आए और अपनी नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाएं, तो मैं यहाँ पे बल्कि इसी, चूंकि ये बेसिकली टॉपिक कौन सा है, एसिंक लॉजिक एंड डेटा फेचिंग। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए और ये थंक्स एंड एसिंक लॉजिक, ठीक है, यूजिंग मिडलवेयर टू इनेबल एसिंक लॉजिक। अच्छा, ये जितनी बातें भी मैंने बोली है ना वर्बली, अगर आपको लेट्स सपोज कंफ्यूजन हो या मजीद क्लैरिटी या क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो, तो मेरी बातों को बुनियाद बना के ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉपर बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मे बी आपको ज्यादा अच्छे अल्फाज मिल जाए जिनमें एक्सप्लेनेशन या जिनमें आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये जो सारा काम है इसके लिए हम अब करेंगे जनाब यहाँ पे आके। अच्छा, यहाँ से मैं पिक करूंगा, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो इनफैक्ट आपके समझने की नहीं है और ना ही उनको इम्प्लीमेंट किया जाना मकसूद है, क्योंकि इन्होंने अपने वे में इस्तेमाल किया होता है। तो मैं सिर्फ वो चीज़ बताऊंगा जो डायरेक्टली रेलेवेंट है
और जो हमने अपने बाकी कामों के लिए इस्तेमाल करनी है, ठीक है? सो लेट्स सी एंड लेट मी फाइंड आउट द वे दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस। यहाँ पे कोई एसिंक नहीं हो रहा, यहाँ पे डेटा लोकली आ रहा है। यस, फेचिंग डेटा विद क्रिएट एसिंक थंक, ठीक? एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दैट वी हैव टू यूज। पहली बात, हमने क्रिएट एसिंक थंक कहाँ से इंपोर्ट करना है? रिडक्स टूलकिट से। मैंने कहा कि पहले हमें इसे अलग से लाइब्रेरी में डाउनलोड करना पड़ता था, रिडक्स टूलकिट में। अब थंक जो है वो इम्प्लिसिटली मौजूद है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्रिएट एसिंक थंक। नाम से जाहिर है कि हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शनलिटी परफॉर्म करने जा रहे हैं। मैं इसको भी रख सकता हूं और इसी के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं और अलग से भी इंप्लीमेंट कर सकता हूं एसिंक को। तो ओवरऑल अपडेट ही करना है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद गालिबन आपको कहा था, याद नहीं रही, वरना स्टार्ट उसी से करते। तो मैं फिलहाल एसिंक को सेपरेट कर रहा हूँ और सिंक्रोनस लॉजिक को सेपरेट कर रहा हूँ, और बाद में अगर आपको दिल हुआ तो खुद मिला लीजिएगा, मुझे कहेंगे तो मैं भी मिला दूंगा आपको, ठीक है? सो लेट्स क्रिएट अनदर स्लाइस, क्योंकि अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम नया फीचर इंप्लीमेंट है, टू डू ही वही फीचर है, लेकिन अब मैं मिक्स नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको टू डू एसिंक स्लाइस कह दूंगा, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पजेस, ठीक है? तो हम यहाँ पे टू डू के अंदर ही इसे रखें और यहाँ पे एक नया टू डू एसिंक स्लाइस डॉट जे एस, और इसमें सारी की सारी लॉजिक जो है वो हम यही रखेंगे और इसको हमने यही रखेंगे। और अब जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम चाहे मसाइल ना हो, हम अरे के बजाय क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं वो कोशिश करूंगा टू इन वन, जो कॉन्सेप्ट पिछली एग्जांपल में समझाना चाहता था वो भी समझा दूं और इसे ठंग भी समझा दूं। अच्छा, इनिशियल स्टेट में हम ये करते हैं जी कि हमारे पास टू डूज जो आएंगे वो क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा और जो स्टेटस होगा, अच्छा ये स्टेटस को मैं फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ता हूँ, और जरूरी तो नहीं है कि हर दफा हमें सक्सेस ही मिले, एरर भी तो आ सकता है ना। एपीआई ये भाई रिमोट सर्वर है, ड्रॉप डाउन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डाटा नहीं हो सकता, सर्वर बंद भी हो सकता है। तो हम क्या करें, एरर, और इसको भी हम यूं कर देते हैं, ठीक? अब हम ये करना चाह रहे हैं जी कि बाय डिफॉल्ट इनिशियली हमारी स्टेट में क्या क्या चीजें पड़ी हैं, तीन, टू डूज, स्टेटस। अच्छा, स्टेटस में हम क्या चीज बताएंगे, जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमने, आपको याद है कि हमने फ्रंट एंड में लोडर्स लगाया था कि हम बजाय इसके कि यूजर को, मतलब यूजर मुंह उठा के देखता रहेगा क्या हो रहा है, उसको कोई ना कोई स्टेटस देंगे या तो, और फिर एसिंक्रोनस जब भी कोई एक्शन होता है तो हमें, हम प्रॉमिस के जरिए उसको हैंडल करते हैं, तो हमें वो तीन में से एक स्टेटस देता है, या पेंडिंग, या फुलफिल्ड, या रिजेक्टेड। तो हम जो भी वो स्टेटस होगा साथ साथ इसको क्या करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, और फिर एरर को भी चेक करेंगे। अगर प्रॉमिस ने रिजेक्टेड दिया तो एरर मैसेज इसमें फिल कर देंगे, और अगर फुलफिल्ड दिया तो टू डूज मिल जाएंगे, तो टू डूज इसमें फिल कर देंगे। ये तीन स्टेट्स रखने का बुनियादी मकसद ये है, ये तीन स्टेट्स नहीं, तीन प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट की रखने का इनिशियल स्टेट में, ठीक है? अब हमने ये रिड्यूसर्स किया, आप ये रिड्यूसर्स भी कर सकते हैं, यानी एसिंक सर लॉजिक आप रिड्यूसर्स के आवाज अंदर भी लिख सकते हैं। आ रही सर? जी जी आ रही है। सर एक सिंगल टू डू भी होना चाहिए, वो जब हम एडिट करते थे तो अपडेट जब करते थे तो उसको सिंगल में रखेंगे ताकि उसको अपडेट कर। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, गुड हो गया। आप एक सिंगल टू डू भी कर लें यूं, और सिंगल टू डू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसमें आएगा, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक हो गया जी। इसमें सिर्फ ये चार कीज नहीं हो सकती, अब ये फरहाद साहब थैंक्स टू हिम कि उन्होंने सजेशन दी, अब इसमें वो फिल्टर्ड भी, फिल्टर टू डूज भी हो सकते हैं कि हम सर्च का एक एक्शन बनाएं और फिर हम ये कहेंगे जी कि हम जो भी कीवर्ड यूजर फ्रंट एंड से भेजे एज अ पेलोड, उस कीवर्ड को अपनी पूरी एग्जिस्टिंग अरे में मैच करो, जहां वो रिजल्ट मिल जाए तो उसको किस में डाल दो, फिल्टर्ड टू डू में डाल दो। तो एक और की भी हो सकती है फिल्टर टू डू सर्च के लिए भी, वगैरह वगैरह। बहरहाल तो अब टू डू, चूंकि हम ये नाम मैच नहीं होने चाहिए, तो मैं इसे क्या करूँ, टू डू एसिंक और इनिशियल स्टेट वही जो ऊपर वाली है। अब ये रिड्यूसर्स यहाँ एज इट इज हो सकता है, यानी हमारी एप्लीकेशन में ऐसा भी हो सकता है कि सिंक्रोनस एक्शंस भी हों और एसिंक्रोनस एक्शंस भी हों। तो अगर तो सिंक्रोनस एक्शंस भी होंगे तो आप क्या करेंगे, सारे के सारे रिड्यूसर्स में लिखेंगे। अभी इसमें मैं कोई भी सिंक्रोनस एक्शंस नहीं लिख रहा, तो मैं यहाँ पे एक और होता है
एक्स्ट्रा रिड्यूसर के नाम से एक की होती है, करेक्ट? जैसे रिड्यूसर के नाम से की होती है वैसे एक्स्ट्रा रिड्यूसर, तो हम जितनी भी एसिंक लॉजिक लिखते हैं वो कहाँ लिखते हैं? एक्स्ट्रा रिड्यूसर। आप पूछेंगे रिड्यूसर में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब हमारे पास एक ही एप्लीकेशन में सिंक्रोनस लॉजिक भी होगी और एसिंक्रोनस लॉजिक भी होगी तो फिर मसाइल होंगे, तो फिर हमने क्या कहा सिंक्रोनस लॉजिक सारी किधर लिखेंगे? रिड्यूसर में, और एसिंक लॉजिक सारी कहाँ लिखेंगे? एक्स्ट्रा रिड्यूसर। ठीक हो गया? सो दिस इज व्हाट, अब हम ये करेंगे कि इस एक्स्ट्रा रिड्यूसर में मतलब इसको लिखने, ये हमारा बेसिक सेटअप हो चुका, इधर गया, ये हमारा बेसिक सेटअप हो चुका है, हम इन एक्शंस को रिमूव करके अपने एक्शंस बनाएंगे तो हम उसको देख लेंगे। और यहाँ पे टू डू स्लाइस के बजाय क्या है जी, टू डू एस वाई एन सी, इसको नाम भी चेंज कर लेते हैं, टू डू ये भी है और ये भी है और ये भी है, ठीक जी। और क्या कर सकते हैं हम, एक्शंस भी हो गए, यस, ये हम वापस जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ से जाके एसिंक्रोनस को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है जी। और अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देख लें उसने वही काम किया, पोस्ट की जगह हमने क्या किया, ट्रोड्यूस किया, मतलब उसने वो काम नहीं किया, हमने उसको फॉलो करके वो काम किया और एरर जो है वो नल, एरर को मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा लेकिन मुझे नहीं पता कि जब एरर आएगा तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग में आएगा, नॉर्मली एरर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, तो बजाय एम्प्टी स्ट्रिंग में रखूंगा तो मैं बाउंड हो जाऊंगा कि जब मैं स्टेट को अपडेट करूं तो क्या दूं, स्ट्रिंग दूं, तो मुझे तो नहीं पता कि एरर स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली एरर किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, तो मैं एरर को भी क्या दे दूं, यहां पे नल दे देता हूं। ठीक हो गया बात, नल का मतलब कुछ भी नहीं, जी 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 सर जी, टू डू एसिंक स्लाइस डॉट रिड्यूसर हम यूज कर रहे हैं जबकि ऊपर हमने एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के नाम से एक अलग की यूज की है, तो ये काम करेगा? कहां पे क्या बात कर रहे, सॉरी, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो हो रहा है नीचे, हाँ, ये डॉट रिड्यूसर का हम फंक्शन इस पे आते हैं ना, इस पे आते हैं, अभी मुझे ऊपर बनाने दे, पूरा बना लेने ना, वो नहीं करेगा तो हम ऑब्वियसली चेंज करेंगे। सो ये नल, तो अब टू डू भी ऑब्वियसली आप इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं क्योंकि इस केस में मैं कंफर्म है कि अगर सिंगल टू डू आएगा तो वो क्या आएगा, बेसिकली हमें कैसे कंफर्म है, जो एपीआई रिस्पांस दे रही है उसकी बेस पे जब हम उसे आईडी देंगे तो हमें कंफर्म है कि टू डूज में अगर हम सिंगल आईडी दें तो रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इस केस में हमें कंफर्म है, कंफर्म है तो हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, अगर कंफर्म नहीं है तो उसको भी हम क्या दे सकते हैं, नल दे सकते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेट का ये। उसके बाद वापस आए जी नीचे, तो इसने बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या दिया हुआ, आइडल, मतलब मैंने एम्प्टी रखा हुआ है, आप आइडल, आइडल का मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, आइडल का मतलब फारग होना बैठ, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। और इसके बाद इस स्टेटस की पॉसिबल वैल्यूज क्या होनी है, फुलफिल्ड, रिजेक्टेड, पेंडिंग वगैरह हो सकता है, तो हम भी इसको फॉलो करते हैं, हम चूंकि लकीर के फकीर हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं, आइडल के बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं हो रहा, स्टेटस कुछ भी नहीं है। और उसके बाद दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो पार्ट है ना ये सारा मैजिक है यहाँ पे, और यही मिडलवेयर है, और यही क्या करेगा, एसिंक कॉल भेजेगा रिमोट एपीआई को, वहां से डेटा फेच करेगा और फेच करके ये उस डेटा को क्या कर देगा, रिस्पांस दे देगा। अब ये जो रिस्पांस रिटर्न कर रहा है ये जरूरी नहीं है कि डेटा ही है, ये डिपेंड करता है कि रिस्पांस आया क्या, अगर तो एरर आया तो एरर देगा, अगर फुलफिल हुआ तो डेटा देगा, और अगर कुछ भी ना हुआ तो फिर, मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, पेंडिंग तो रह नहीं सकता, या फुलफिल होगा या फिर रिजेक्ट होगा, तो अगर यहाँ पे ये पेंडिंग ही रहा तो फिर बाय डिफॉल्ट स्टेटस क्या होगा, आइडल ही रहेगा, हम उस हिसाब से कोई मैसेजेस या एरर मैसेजेस शो दिखा देंगे, बट दिस इज द रियल मैजिक बेसिकली। तो आप क्या करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, चाहे स्लाइस से ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, है तो फंक्शन ही है ना। अगर आप सिंपली इसको देखें तो सिंपली मैं व्हाट आई एम कॉलिंग इज क्रिएट एसिंक थंक, और ये वही फंक्शन है जो बिल्टन मैंने यहाँ से कॉपी किया, और इसको मैंने सेव किया है किसके अंदर, एक वेरिएबल के अंदर, इसको भी एक्सपोर्ट किया ताकि ये कहीं भी जरूरत पड़े बाहर भी तो हम इसे यूज कर सके, तो हम फेच पोस्ट्स की जगह हम इसको क्या कह देते हैं जी, फेच टू डूज, ठीक है, सिर्फ ये कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, टी ओ डी ओ एस, टू डूज। अच्छा, मैंने आपको गालिबन जो इसका डेव टूल में इसकी एक्सटेंशन थी जो स्टेट ट्रैक करने के लिए, वहां जब मैंने आपको एक्शंस ट्रैक करवाए थे तो आपने कभी नोट किया कि वहां पे एक्शंस इस फॉर्म में आते हैं? नहीं किया आपने नोट, सो लेट मी मेक यू नोट दैट फर्स्ट। अगर मैं यहां पे आऊं
और मैं बल्कि यहाँ पे ना रिडक्स टूल की मुझे यहाँ नजर आएगी। तो अब चूंकि ये सारा कुछ अगर मैंने किया होता तो मैं आपको एक्सप्लेन करता। मैंने कहा है कि ये सारा कुछ कौन कर रहा है, टूल किट खुद मैनेज कर रहा है। एक्शंस कौन बना रहा है, खुद बना रहा है। तो ये क्या बेसिकली, ये मैंने बनाया, टूल किट ने बनाया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी रिडक्स टूल किट एक्शन प्रोड्यूस या जनरेट करता है, एक्शन खुद जनरेट करता है, तो वो उनकी कन्वेंशन जो है वो ये टू डू स्लैश क्रिएट टू डू स्लैश क्रिएट टू डू, यानी जो भी आपने मेथड कॉल किया उसके हिसाब से उसने शुरू में टू लगाया और आगे वो एक्शन लगा दिया। ये दोनों किसके लिए कॉल हुए, टू डू क्रिएट करने के लिए किसके कॉल हुआ, और ये तीनों आखिरी अपडेट के लिए। अगर कोई डिलीट वाला होता तो यहाँ पे एक और एक्शन क्या आ जाता, ये डिलीट टू डू आ गया। तो ये एक्शन कौन जनरेट कर रहा है बेसिकली, थंक खुद ही। तो हमें कन्वेंशन पता लग गई है कि इस तरह के एक्शन जनरेट होते हैं। तो अब हम जब यहाँ पे जाएंगे तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एक्शन, उसको नाम भी वही देंगे जो कन्वेंशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, फेच प्रोड्यूस और क्रिएट एसिंक्रोनस थंक दो पैरामीटर लेता है। एक बेसिकली एक्शन टाइप, आपने जब रिडक्स कोर पढ़ा था तो मैंने कहा था एक्शन टाइप और पेलोड, ये एक्शन टाइप है। और सेकंड फंक्शन एक एनोनिमस या यू कह लें कॉल बैक फंक्शन है। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, स्ट्रेट अवे, और ये जो एसिंक अवेट पूछ रहे थे ना, जब भी आपने एसिंक्रोनस कॉल करनी होती है तो उससे उसके स्टार्ट में क्या लगाते हैं आप, अवेट। लेकिन अवेट आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप जिस फंक्शन के अंदर अवेट लगा रहे हैं वो फंक्शन खुद क्या हो, एसिंक्रोनस हो। गॉट इट? एसिंक्रोनस काम क्या करेगा, ये वही लॉजिक जो मैंने कहा कि इफ फंक्शन इज टेकिंग मोर टाइम, इज अ कॉम्प्लेक्स और कंप्यूटेशन, इज परफॉर्मिंग अ साइड इफेक्ट, तो यू आर नॉट सपोज टू कीप दैट फंक्शन इन अ नॉर्मल फ्लो, यू हैव टू मेक इट एन एसिंक्रोनस, ताकि ये कहाँ चलता रहे, साइड पे चलता रहे और बाकी आपका काम जो है वो अपने नॉर्मल फ्लो में चलता रहे। एनीवेज ये क्या करेगा जी, अच्छा यहाँ ये कह रहे जी क्लाइंट डॉट गेट। अब हम क्लाइंट का मतलब क्या है कि हम बेसिकली हमने यूज किया अभी तक फेच, ब्राउजर का बिल्ट इन मेथड है जो कि वेब एपीआई है बेसिकली, जो क्या करती है एपीआई को कॉल करती है। तो हम यहाँ पे क्लाइंट की जगह क्या करेंगे, अच्छा क्लाइंट की जगह एक बड़ी जबरदस्त लाइब्रेरी है, या फेच की जगह बहुत ही जबरदस्त लाइब्रेरी है जिसको हम एक्सियोस कहते हैं, एपीआई कॉल्स के लिए हम बहुत ज्यादा वो यूज करेंगे। ठीक है, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं अभी कर लूं। फेच के ना कुछ ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इश्यूज है, पहले थे, अभी तो जाहिर हर चीज डेली अपडेट होती है गए बगैर, तो मुझे नहीं पता अभी भी है या नहीं है। बहरहाल इसके कुछ कंसर्न्स थे जिसको एड्रेस किया गया, या मतलब कुछ फीचर्स लिमिटेड थे तो इसको एड्रेस किया गया कि इसमें एक्सियोस लाइब्रेरी में। तो एक्सियोस एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो बेसिकली क्या करती है, वही काम जो फेच करती है, लेकिन मोर यूजर फ्रेंडली वे में, सिंटैक्स भी बहुत आसान है और उसको यूज करना भी बहुत सिंपल है। तो मैं यहाँ पे फेच के बजाय क्या करूंगा, ए, अच्छा जैसे ये देखे ना, मैं अगर यहाँ फेच करता तो फिर ये गेट ना करता, ठीक है, फिर तो फेच के साथ यूआरएल देनी है जो आप पहले करते हैं। तो इसका मतलब है इसने भी अगर यहाँ पे क्लाइंट लिखा था ना, तो इसका मतलब भी यही है, यहाँ क्लाइंट का मतलब क्या है, कोई ना कोई लाइब्रेरी जो एपीआई कॉल के लिए इस्तेमाल की जानी है। तो वाई टू वेट फॉर दैट, क्योंकि हमने एक्चुअली बैकएंड में जब हम खुद लिखेंगे तो हमने वही यूज करनी है, तो अभी यूज कर लेते हैं। सो व्हाट आई बी डूइंग इज, आप जाएंगे यहाँ पे और चेक करेंगे जी कि व्हाट डज एक्सियोस डू। ठीक है, तो ए एक्स आई ओ एस, दिस इज द लाइब्रेरी एपीआई कॉल्स इन अ मोर यूजर फ्रेंडली वे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे एनपीएम में तो लुक एट द यूसेज, पर वीक इतने डाउनलोड होते हैं, जो मैथ में अच्छे हैं वो जरा ये गिनती करके बता दें कितना बनता है। ठीक है, पर वीक इतने डाउनलोड हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड के जी हाउ बिग इट्स यूसेज इज एंड हाउ रिलायबल इट इज। तो मैं यहाँ से npm exios इसको कॉपी करता हूँ और सीधा स्ट्रेट अवे यहाँ पे आता हूँ, और जैसे बाकी लाइब्रेरीज मैंने इंस्टॉल की हैं वैसे ही बिल्कुल यही ये भी इंस्टॉल करूँगा npm exios। और जो जितनी देर में इंस्टॉल होती है उतनी देर में हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, और यहाँ पे अगर आएँ तो ये देखें ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, ऑलमोस्ट सारे ही ब्राउजर कंपैटिबल है। ठीक है, फिर नीचे आएँ और इसको यूज़ करने का जो तरीका है या इसका जो तरीका वारदात है वो ये है बेसिकली, इम्पोर्ट exios फ्रॉम exios, आप इसको कॉपी करें, हमने ये हो गया इंस्टॉल सक्सेसफुली, तो इसको आप डिलीट कर दें, वी आर बैक, और हम यहाँ पे इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो अब इस एक्सियोस में आपको याद है एचटीटीपी, जब हमने फर्स्ट टाइम सर्वर को कॉल भेजी तो हमने एचटीटीपी की रिक्वेस्ट टाइप्स पढ़ी थी, गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है, डिलीट रिक्वेस्ट है। ठीक,
एक्सियोस ने क्या किया है, उन तमाम एचटीटीपी रिक्वेस्ट के नाम से ही फंक्शंस बना दिए, मतलब बहुत यूजर फ्रेंडली वे में, कि अगर आपको गेट रिक्वेस्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट गेट, अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट, हो गया ना यूजर फ्रेंडली, और अगर आपको पुट रिक्वेस्ट करनी है तो क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट पुट, और अगर आपको डिलीट रिक्वेस्ट करनी है तो एक्सियोस डॉट डिलीट, और अगर आपको पैच रिक्वेस्ट करनी है तो एक्सियोस डॉट पैच. इट हैज बिकम मोर यूजर फ्रेंडली. लेट्स हैव अ लुक एट दैट टू. अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो ये आपको बताएगा जी, यहाँ पे ये एक्सियोस डॉट गेट, गॉट इट, और उसके बाद एक्सियोस डॉट गेट वगैरह वगैरह. तो हम बैकएंड पे भी काफी सारा इसका यूज करेंगे एक्सियोस वगैरह का, ठीक है. तो दैट्स प्रीटी मच. तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन में डिटेल से आप बेशक डिटेल पढ़ने चले जाइएगा, अभी हमारे पास टाइम कम है. सो एक्सियोस डॉट गेट, और गेट में हम क्या देंगे कि यहाँ पे वो URL देंगे जिस URL से हमारे डेटा ने पिक होना है. तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ जी, ओल्ड टू डूज का URL, और यहाँ पे आके इस URL को मैं कर देता हूँ पेस्ट. ठीक, तो अब बेसिकली ये सारा काम करने के बाद मुझे क्या देगा, रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करके ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स में. ठीक है, अब जरा कैसे आएगा, लेट्स हैव अ लुक एट दैट टू. इसके लिए हमें एक छोटी सी लॉजिक मजीद लिखनी है. ठीक है, सो आपने ये सारी कहानी तो समझ आ गई है आपको, कि आपने कैसे स्लाइस बनाना है, जिसमें जिस स्लाइस में एसिंक्रोनस एक्शन होगा वो स्लाइस कैसे बनाना है, और जिसमें नहीं होगा वो स्लाइस कैसे बनाना है. दोनों काम एक ही में कर सकते हैं, रिड्यूसर और एक्स्ट्रा रिड्यूसर में. ये काम भी आपको मैंने बता दिया, ये सारी कहानी यहाँ पे ये लिखी हुई है, नथिंग दैट. और ये आप एक्शन देख सकते हैं जो मैंने आपको, ये सारी ये डेव टूल है बेसिकली जो हमने देखा है, थीम इसकी चेंज है बस. अब यहाँ पे आए आप, और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, और ये बेसिकली UI कंपोनेंट में उसको यूज करने का तरीका बता रहा है. ये डायरेक्ट पहले यूज करने पे पहुंच गए, हमें पहले उसको स्टेट में पहुंचाना है. सो हम यहाँ पे आएंगे, और रिड्यूसर्स एंड लोड एक्शंस, हम यहाँ पे भी आएंगे और यहाँ पे आएंगे, और दिस इज व्हाट, दिस इज द पार्ट दैट आई हैड एक्चुअली मेड यू रिड्यूसर्स. ठीक है, उसने कहा जी ओमिट एग्जिस्टिंग रिड्यूसर, तो मैंने कहा जी आप existing reducers यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, extra reducers ने ये लिखा है, हमने की बना दिया, आप आगे call back लिख लें, कुछ भी लिख लें, लेकिन मैं चले उसी को follow कर रहा हूँ, तो pure इसी को follow करूँगा. तो मैं क्या करूँगा, extra reducer में ये काम करने के बजाय इसको function बना दूँगा. अब अगर key value में बनाएंगे तो key name extra reducer देंगे, और value में call back function as it is pass कर देंगे. ये extra reducer एक argument लेता है जिसको conventionally नाम दिया गया builder का, वैसे कुछ भी हो सकता है आपको, लेकिन ज़ाहिर है हम Redux toolkit को फॉलो कर रहे हैं, तो हम सारे सिंटैक्स और सारे कीवर्ड भी उसी के फॉलो करेंगे. ये एक आर्गुमेंट लेता है क्या, बिल्डर का, और इस बिल्डर में ये जो async ये जो काम है ना, ये हम इसमें यूज करेंगे बिल्डर को इस्तेमाल करके. ठीक है, अच्छा ये बिल्डर, और इसको हमने अब लिंक करना है. एक्स्ट्रा रिड्यूसर में हम async लॉजिक परफॉर्म करेंगे, एक्स्ट्रा रिड्यूसर लेता है आपका क्या, बिल्डर एक एज एन आर्गुमेंट. अब हमने बेसिकली async फंक्शनैलिटी अलग लिखी हुई है, और हमने बिल्डर अलग बनाया हुआ, तो अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे, क्योंकि एसिंक काम बेसिकली कौन कर रहा है, ये कर रहा है. तो ये लिंक कैसे होगा एक्स्ट्रा रिड्यूसर के साथ, इसके लिए हमारे पास बिल्डर डॉट एड केस. जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पहले थोड़ी बहुत पढ़ी है उनको स्विच स्टेटमेंट का अंदाजा होगा, अगर आपको अंदाजा नहीं भी है तो स्विच स्टेटमेंट को पहले पढ़ाना चाहिए. नहीं मैं हाँ एग्जैक्टली वही कैसे, लेकिन इसमें वो मतलब इसका सिंटैक्स उससे मिलता जुलता है, लेकिन है वो नहीं, स्विच नहीं है इसमें, ऐड केस है. अब मुझे ये बताएं कि जब भी हम कभी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे बताएं, तो हमारे पास कितने केसेस पॉसिबल है. मैंने एक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट की सर्वर को, कितने केसेस पॉसिबल है मेरे पास, या तो वो फुलफिल होगी, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट के तीन ही केसेस है भाईजान, या फुलफिल होगी, या रिजेक्ट होगी, या पेंडिंग होगी, ऐसे ही है. तो पहले केस में मैं क्या चेक करूंगा कि अब यहां पे ये देख लें, उसने बिल्डर डॉट एड केस, और एड केस में बेसिकली ये लेता है आपके दो आर्ग्यूमेंट्स. एड केस भी बिल्ट इन फंक्शन है, और आप बार बार ये देख सकते हैं कि मैं बार बार डॉक्यूमेंटेशन को इसलिए रेफर कर रहा हूं टू अवॉइड एनी पॉसिबल मिस्टेक, तो फील फ्री टू डू दैट. ठीक है, अब पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि फेच पोस्ट विच इज दिस वन, विच इज दिस वन. अब इसने फेच पोस्ट अलग फाइल में लिखा है, मैंने इसी फाइल में लिख दिया, दैट डजंट मैटर एट ऑल. अगर मैं इसी फाइल में लिख रहा हूं तो इसे एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, भाई इधर यूज कर ले. अगर आपने कहीं अलग फाइल में लिखा है तो आप एक्सपोर्ट लिख दें. ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यार फेच पोस्ट डॉट पेंडिंग,
अभी तक मैंने रिक्वेस्ट कर दी, अभी तक ना रिजेक्शन आई ना फुलफिलमेंट आई, यानी अभी रिक्वेस्ट किस में है, प्रोसेस में। तो अगर फेच पोस्ट, यानी जाहिर है जब ये एसिंक्रोनस आएगी, ये रिस्पॉन्स डाटा भेजेगा, तो इस फेच पेंडिंग, यानी डाटा तो आएगा ही आएगा, साथ में स्टेटस भी आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या चेक कर रहा हूँ जी, इसका है फेच पोस्ट, तो मेरा फेच पोस्ट नहीं है, मेरा क्या है फेच टू डूज, किधर गया मेरा, तो मैं कहता हूँ जी फेच टू डूज डॉट। तो ये गालिबन जब कभी हमने प्रॉमिस को कंसोल करके देखा था, तो आपने देखा था फुलफिल्ड लिखा हुआ आता है, स्टेट पेंडिंग लिखा हुआ आता है, पेंडिंग हमने देखा नहीं है लिखा हुआ, क्योंकि हमारा अभी तक कोई रिजेक्ट हुआ ही नहीं, हम इतने पक्के प्रोग्राम लेकिन अगर कोई पेंडिंग हो, यानी टाइम टेकिंग हो, तो पेंडिंग लिखा हुआ आता है, फुलफिल्ड हो तो फुलफिल्ड लिखा हुआ आता है, रिजेक्ट हो तो रिजेक्टेड लिखा हुआ आता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो हमें क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करेगा फेच डॉट पेंडिंग। अगर ये है तो फिर ये कॉल बैक ट्रिगर कर दो, ठीक। अब इस कॉल बैक में वो दोनों चीजें आएंगी, स्टेट, दोनों चीजें मिलेंगी, आप यूज करें ना करें ये आपका तरद्दुद है, बात समझ आ गई है। तो अब यहां पे देखें स्टेट और एक्शन, और जब ये पेंडिंग है तो उसने इसी इनिशियल स्टेट का, किधर की इनिशियल स्टेट, वो ऊपर कहीं पड़ी हुई है, ठीक है। उस इनिशियल स्टेट के अंदर एक प्रॉपर्टी थी स्टेटस की, और डिफॉल्ट वो क्या थी, स्ट्रिंग थी। तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये पेंडिंग है तो स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल्स टू, मैं क्या कर दूंगा, पेंडिंग। इसका मतलब है अभी तक मेरे पास, ये एरर क्यों दे रहा है, यहां पे मैंने एरो फंक्शन नहीं लिया, ठीक। तो मैंने क्या किया, मेरी इनिशियल स्टेट क्या थी, ये सारी, इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, स्टेट से। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है स्टेटस, जो बाय डिफॉल्ट क्या थी, आइडल। मैंने उसको अपडेट किया कि यार पेंडिंग का मतलब ये है कि अगर ये केस फुलफिल हो गया तो मेरी स्टेट में क्या आ जाएगा, पेंडिंग। अब इस पेंडिंग को मैं यूआई में ले जाके पहले चेक करूंगा कि स्टेट पेंडिंग है तो लोडर चला दो, बात समझ आइए नहीं। तो अब दूसरा केस है, कॉमा दें, और कॉमा के बाद नहीं, सॉरी ये कॉमा नहीं है, डॉट है, चेनिंग, इसको हम कहते हैं मेथड की चेनिंग, एक मेथड डॉट, दूसरा मेथड डॉट, तीसरा मेथड डॉट, चौथा मेथड, तो इसको हम क्या कह रहे होते हैं, चेनिंग कह रहे होते हैं। तो यहां तक देखें एक कंप्लीट हो गया, डॉट इसी के बाद शुरू हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, उसी के साथ चेन हो रहा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, डॉट फुलफिल्ड, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, आप यहीं पे लिख लें, उसने रीडेबिलिटी के लिए लाइन ब्रेक की है, ठीक है। तो आप डॉट यहीं पे लिख लें, और चाहें तो आप बाकी काम भी इधर ही उधर ही कर लें। एड केस, मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फेच टू डूज डॉट फुल फेल्ड, और इसी का जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसको मैं एरो फंक्शन में डाल के ये देता हूं, और इसमें भी मुझे क्या मिलेगा, स्टेट और एक्शन, और इसके अंदर मुझे यहां पे क्या मिलना है। अब जरा देखें, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे रिजल्ट, ये वाली लॉजिक कब चलेगी, जब रिजल्ट मिल चुका होगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्टेटस को अपडेट सीडेट कर दूंगा, ये स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, मतलब लोडेड, सक्सीडेड, सक्सेस, व्हाटएवर, सो व्हाटएवर यू लाइक। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्टेट डॉट, आप मुझे कहेंगे सर ये आप म्यूटेट क्यों कर रहे हैं, बोले ना जरा, म्यूटेट नहीं कर रहा मैं, अरे को म्यूटेट कर रहा हूँ ना, या ऑब्जेक्ट को म्यूटेट कर रहा हूँ ना, इनिशियल स्टेट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टी को डायरेक्ट चेंज करते हैं तो म्यूटेट नहीं हो जाता ऑब्जेक्ट, तो यहाँ मसला क्यों नहीं है म्यूटेशन में। लाइब्रेरी सर ये काम नहीं, उसके साथ इसको कंपेयर नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन मेथड चेनिंग है, ठीक है। उसके साथ इसलिए नहीं कि वो डॉट देन तो हर दफा चलता ही चलता है ना, ये जब केस मैच होगा तभी चलेगा, अगर पहला केस मैच नहीं होगा तो दूसरा चलेगा, दूसरा मैच नहीं होगा तो तीसरा, जो केस मैच गया, अगर पहले तीनों मैच नहीं होंगे तो फिर चौथा चलेगा, तो ये उससे देन से कंपेयर नहीं कर सकते। फराज साहब आप भी कुछ कह रहे हैं सर, ये म्यूटेट नहीं हो रहा, इमर लाइब्रेरी यहाँ पे होकर आप लास्ट लेक्चर, यू आर राइट, ये जो यहाँ फिजिकल स्टूडेंट हैं उन्होंने भी, क्योंकि वो कमेंट लिखे हुए थे तीन लाइनों में बड़े बड़े करके उन्होंने, कि भाईजान हम डायरेक्टली रिडक्स टूल किट के अंदर स्टेट को डायरेक्टली चेंज करने के मजाज हैं, क्यों, थैंक्स टू इमर लाइब्रेरी, क्योंकि अगेन टूल किट की बहुत सारी फंक्शनलिटी में से एक में वो भी फंक्शनलिटी है, अदरवाइज हम स्टेट डॉट स्टेटस करते तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के
म्यूटेट करके उसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी छोड़ता, बाकी सारा कुछ उसमें उड़ा देता या एरर दे देता है जो भी। एनीवेज तो हम ये कोई खिचड़ी बन रही है तो हम रीडेबिलिटी के लिए लाइन ब्रेक्स कर लेते हैं तो बेहतर है। अब अगर ये सक्सीड हो गया तो सिर्फ यही काम नहीं करना, स्टेटस तो अपडेट है ही है, तो जब सक्सीड हो गया तो साथ डेटा भी तो लाएगा ना, तो डेटा को कहाँ पोस्ट करना है, टू डू। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, स्टेट डॉट पोस्ट, यानी स्टेट की पोस्ट। तो हमारा क्या करेगा, हमारा टू डूज स्टेट ऑब्जेक्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी टू डूज लो, और उसमें क्या करो बेसिकली आपके पास आएगा क्या, स्टेट डॉट, अच्छा बेसिकली कॉन्केटनेट क्या करता है, दो अरेज को मिला देते हैं। हम कॉन्केटनेट नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जी स्टेट डॉट टू डूज डॉट पुश। अब जब ये फुलफिल होगा तो एक्शन में भी तो कुछ आएगा ना भाई, हम उसे क्या कहेंगे, एक्शन में से डॉट पेलोड निकाल के किसमें करो। ये काम हम एसएच ना भी करें, यानी स्टेट डॉट टू डूज ना भी करें, तो स्टेट डॉट टू डूज यहाँ भी तो हो रहा है ना, इसको करने की क्या जरूरत है भाई। एक्सक्यूज मी सर, ये कौन सा एक्शन है, ये जो हमने यूआई से भेजा था वो वाला है या ये जो? नहीं, ये वो वाला एक्शन नहीं है, क्वेश्चन ये वो वाला एक्शन है जो यहाँ से डिस्पैच होगा, ये वाला ठीक है, स्टोर वाला ठीक। मैंने क्या कहा था, एक एक्शन हम यहाँ से डिस्पैच करेंगे और वो जाएगा, एक एक्शन डिस्पैच करेगा कौन, थंक मिडलवेयर, और ये जो एक्शन है ये हमने तो अभी कहीं से भेजा ही नहीं भाई, हमें ये कौन दे रहा है, थंक दे रहा है, क्योंकि ये सारी लॉजिक ऐड केस की और बिल्डर की है, किसकी है, थंक मिडलवेयर की है, तो ये एक्शन कौन देगा, थंक मिडलवेयर, ये इंटरनली सारा काम करके वो देगा। क्लियर हो गया, नहीं वो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम रीअसाइन कर रहे हैं उसी चीज को, हम देखें स्टेट डॉट टू डूज में क्या एक्सेस कर रहे हैं, हम स्टेट डॉट टू डूज ये एक्सेस कर रहे हैं, इसमें क्या है अरे है, तो हमने कहा जी उस अरे में जाके ये भी डाल दो, पुश कर दो इमर लाइब्रेरी। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है फराज साहब, कैरी ऑन सर, सही जा रहा है। चलो ग्रेट, ओके नाउ कैरी ऑन का मतलब है कोई है फर्क है कोई, तीसरा केस और ये आखिरी केस है भाई, या तो पेंडिंग होगा या फुलफिल्ड होगा या रिजेक्टेड होगा, तो जब रिजेक्टेड होगा तो क्या करे, स्टेटस क्या दे देंगे, फील्ड, और ये जो तीसरी स्टेट है हमारी, किधर गया एरर, इधर नहीं है वो हमारे केस में है, तो जो एरर है उसको फिल कर दे स्टेट डॉट, यानी डाटा में कुछ भी ना रहे, वो डाटा में कुछ नहीं होगा तो डिफॉल्ट एम्प्टी अरे है ही है, तो सिर्फ एरर में क्या दे दे, एक्शन डॉट एरर डॉट मैसेज। सो लेट्स सी, मैं आखिरी केस ऐड करता हूँ रिजेक्टेड में, डॉट कर लें और इसको यूं करें, और एच टू डूज डॉट रिजेक्टेड और स्टेट एक्शन और अगेन स्टेट डॉट स्टेटस दैट इज गोइंग टू बी फेल्ड और स्टेट डॉट एरर equals to what action dot error dot message। अब आप कहेंगे ये action dot error कहाँ से आया, तो ये भी कौन भेज रहा है basically, thunk, ये सारा कुछ internally खुद action बनाता भी thunk ही है, dispatch भी वो करता है, हम सिर्फ उसके dispatch किए हुए actions को receive करके utilize करते हैं। ठीक है, action dot error dot message, so that's pretty much the job of the extra reducer is। अब हमने यहां तक ये काम हो गया कंप्लीट, एक्स्ट्रा रिड्यूसर में बिल्डर के काम, और उसके बाद अगर आप नीचे आए, ये सारी कहानियां जो मैं सुना रहा हूँ ना, ये सारी इस थ्योरी में लिखी पड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली इसको समझने से पहले आप थ्योरी पढ़ें और फिर बाद पढ़ें तो आपको जमीन आसमान का फर्क लगेगा। अब हमने क्या करना है जी, बस वो किधर गया यार, ये हमारा ये तो यूज हो रहा है ना, ये तो यूटिलाइज कर रहा है इसमें पोस्ट लिस्ट के कंपोनेंट में, हम कुछ और देखना चाह रहे हैं।
आप पूछ रहे थे फराज साहब आपके क्वेश्चन कि हमें एक्स्ट्रा रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करना है या रिड्यूसर ही को एक्सपोर्ट करना है, तो हमें रिड्यूसर ही को रखना है इसको, ठीक है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर नहीं रखना। एक तो ये चीज देखनी थी, बाकी कुछ भी नहीं देखना मेरे ख्याल में। और ये क्या कह रहे हैं जी, बिल्डर डॉट एड केस फुलफिल्ड में, ये काम हमने किया, ठीक है, यानी ऊपर वाला उसका काम फॉलो नहीं किया, हमने ये वाला फॉलो किया। एनीवेज सो अब हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम आप क्या करेंगे, पोस्ट्स को फेच करके अपने कंपोनेंट में डिस्प्ले करेंगे एसिंक्रोनस के लिए। उसके लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि अब हमें इन एक्शंस की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उन एक्शंस को हमने इंटरनली यूज कर लिया। ये एक एक्शन ये था, एक एक्शन ये था और एक एक्शन ये था, तो अभी ये पूरा का पूरा रिड्यूसर बेसिकली काम क्या करेगा, सिर्फ हमें टू डू फेच करके देगा। अगर हमें टू डू नया ऐड करना है तो उसके लिए अलग से इस तरह एसिंक फंक्शन लिखना है और उसके लिए अलग से पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब हम एक नया टू डू क्रिएट कर रहे होंगे तो उसने उस केस में भी तो पॉसिबल है ना कि सर्वर रिजेक्ट दे दे, फुलफिल्ड दे दे या एड दे दे। जब हमने कोई अपडेट करना होगा तो उसके लिए अलग से एसिंक थंक लिखेंगे। तो एक मेरे ख्याल में हम पूरा कर लेते हैं, बाकी दो अब तीन कर ही लेंगे। फ्लो सारा सेम है, बाकी सारे सेम है, डॉक्यूमेंटेशन हम इसको पूरा 100% तब करेंगे जब हम अपनी एपीआई के साथ काम कर रहे होंगे। तो आपको मेरे ख्याल में इस एग्जांपल की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो रिडक्स टूलकिट का एसिंक्रोनस पार्ट है ना, वो भी आपको 100% इंशाल्लाह क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सो नाउ कम बैक टू द, अच्छा इस केस में चूंकि मुझे फेच टू डूज को यूज करना है, कहाँ पे, जहां पे मुझे टू डूज को डिस्प्ले करना है, तो ये फेच डूज का फंक्शन मुझे वहां पे कॉल करना है। तो मैं बजाय इसके कि यहाँ पे एक्शंस को एक्सपोर्ट करूं, यहाँ पे मुझे इसी को क्या करना पड़ेगा, और जहां भी मुझे फेच डूज कॉल करने पड़ेंगे मैं सिर्फ क्या करूंगा, फेच डूज का फंक्शन कॉल कर लूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ये हो गया। अच्छा सिर्फ रिड्यूसर में सब कुछ कर देना तो काफी नहीं होता, इसको लिंक भी तो करना है ना आपने स्टोर के साथ। तो आप इस पे आए वापस, किधर गया स्टोर हमारा, वेयर इज द स्टोर, स्टोर, और यहाँ पे अब आप इस पे भी आए, थोड़ी देर के लिए आप इसको भी कमेंट कर दें, और यहाँ पे आके आपने करना है इम्पोर्ट, और इसको करना है जी टू डू एसिंक रिड्यूसर फ्रॉम, हमारा कहाँ है, रिडक्स के अंदर, ओके सॉरी फीचर्स के अंदर, टू डू के अंदर टू एसिंक स्लाइस, और ये डिड्यूस, ये डिड्यूस, बाकी हर जगह पे वही काम रहेगा, ठीक। अब हमें पॉसिबल एरर्स आएंगे क्योंकि हमने कुछ चीजें कमेंट भी की हुई, तो हम यहाँ डिड्यूस के बजाय यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक नया बना लेते हैं कंपोनेंट जहाँ पे हम इसको लिस्ट करेंगे, क्योंकि हम इस पे जाएंगे तो इस पे एरर आएंगे क्योंकि हमने इसका पार्ट ही कमेंट कर दिया, ठीक है। सो नाउ इसके बाद मुझे याद कीजिएगा, हमने कंबाइन रिड्यूसर पढ़ के ना, बजाय एक दूसरे को कमेंट करने के, हम सारे रिड्यूसर को कंबाइन रिड्यूसर में पास करेंगे, कंबाइन को बेसिकली क्या कर लेंगे, रूट रिड्यूसर कर, बल्कि वो काम अभी से कर लेते हैं ताकि हमें पॉसिबल एरर से बच सके। मैं इसको भी अनकमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पास करने के बजाय मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंबाइन रिड्यूसर्स, इसमें मैं क्या पास करूँगा, ये ऑब्जेक्ट, और इसमें मैं करूँगा जी सी ओ यू एन टी ई आर, चलें ये भी याद रखिएगा, मैं तीन रिड्यूसर इकट्ठे यूज करने लगा, काउंटर टू डूज और टू डूज एसिंक, ठीक है। सो काउंटर इज गोइंग टू बी द काउंटर रिड्यूसर, दूसरा टू डूज इज गोइंग टू बी टू डू रिड्यूसर, और तीसरा टू डूज एसिंक इज गोइंग टू बी
रिड्यूस सिंक रिड्यूसर, और इसको हम यूं कहते हैं कंबाइन रिड्यूसर हमें क्या देता है, सारों को कंबाइन करके इसको हम नाम दे देते हैं रूट रिड्यूसर। कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन कन्वेंशन है कि आप इसको क्या दे दें, रूट रिड्यूसर। और ये रूट रिड्यूसर जो है वो इधर क्यों पास करते हैं बगैर ऑब्जेक्ट नोटेशन में, ठीक, ये कहानी है, बजाय इसके कि हम एरर गेट करें। अब मुझे जस्ट ये कंफर्म करना है कि मैंने कंबाइन रिड्यूसर का सिंटैक्स सही लिखा या नहीं लिखा, ठीक है, जस्ट लेट मी चेक। की वैल्यू पेयर में तकरीबन मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक लिखा, लेकिन ये कोर तो नहीं है, रिडक्स टूल किट में बताए ना, आपने ये थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप कहीं अच्छा वैसे कंबाइन किधर गया, ये कॉन्फ़िगर स्टोर में उसमें क्या किया हुआ है, रूट रिड्यूसर, ठीक है, रूट रिड्यूसर की तरह फुल एग्जांपल ये है, ठीक है। सो जस्ट आई हैव टू कंफर्म वन थिंग, कॉन्फ़िगर स्टोर तो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, और किया भाई कहीं नहीं है कुछ भी, तो हमें पॉसिबली कोई ना कोई गलती की है हमने, ठीक है। Let me trace out that. Reducer is a required argument and must be a function or an object of functions that can be passed to the combined reducers. There are three functions here. क्या हो गया? Async हमने अभी लिखा है ना? इसको देखते हैं. So. means configure store mein root reducer kab pass kiya tha humne root reducer to do ये भी पहली दफा कहीं ना कहीं तो फंसना ही था ना, मतलब इतना तो नहीं हो सकता कि हमें बड़े लाइक हो एडी दफा, मतलब फर्स्ट टाइम में सारा कुछ हम ठीक कर लें। सो लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट, ओ स्टैक ओवरफ्लो पे जाते हैं। वो क्या कह रहा है जी, ये हमारा स्टोर तो इसमें तो एक ही पास कर रहा है, भाई हमें एक से ज्यादा पास करने है तो कैसे पास करेंगे। अब इतनी लंबी वीडियो कौन देखे यार, टूलकिट एग्जांपल, एग्जाम्पल वन में कंबाइंड रिड्यूसर में की वैल्यू मैप स्टेट सर्वर, ठीक है, इन्होंने की वैल्यू दी, हम अगर की ना दें तो वो वही की वही वैल्यू कंसिडर होती है। स्टोर में कॉन्फ़िगर स्टोर में रिड्यूसर में कंबाइंड रिड्यूसर, तो रिड्यूसर में कंबाइंड रिड्यूसर वही काम है, हम कंबाइंड रिड्यूसर को डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे यू, यही काम बन जाएगा ना, reducer ये वाले वाले, ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये की है और ये वैल्यू है, और वैल्यू में ये यूं लिखें या यूं लिखें एक ही बात है, गलती कर रहे थे हम, ठीक है, सिंटैक्स वाइज ठीक हो गया। अच्छा अभी ठीक नहीं हुआ, अभी हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं सारा कुछ ठीक चल रहा है तो फिर ठीक होगा, ये तो ठीक ही चल रहा है, मतलब टू डू ठीक चल रहा है, काउंटर के तरह यूज किया हुआ हमने,
काउंटर भी ठीक ही चल रहा होगा, ये ठीक चल रहा है तो वो भी ठीक चलेगा, हमने वो मिटा दिया था सारी जगहों पे। लेकिन मेक सेंस कि आपने मल्टीपल रिड्यूसर्स को लेना है, और अब हमने यूज करना है किसको, एसिंक रिड्यूस को, उसको यूज अलग कंपोनेंट में कर लेते हैं। तो आपको दो तीन चीजें इकट्ठी पता लग गई है कि आपने मल्टीपल रिड्यूसर्स लिखने हैं, उनको कंबाइन रिड्यूसर्स में पास करके आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर स्टोर में पास करना है। और फिर ये बेसिकली तो पहले की चीजें, इंपॉर्टेंट चीज आपने सिर्फ यही रखनी है एक्स्ट्रा रिड्यूसर वाली। अब हम करते हैं एक और कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट हम पेज बना लेते हैं, और उस पेज को हम कह देते हैं जी दैट इज गोइंग टू बी टू डूज ASY एंड सी। आई नो कि मैं बहुत बुरे नाम दे रहा हूँ, उसके लिए मैं पेज की माजरत, वो माजरत करने के मकसद ये है कि आप इस तरह के नाम ना दीजिएगा, RAFCE या खुदा यार रहम करी React यही है ना। So let's go ahead और RFCE, और इसमें हमने करना है अब सबसे पहले क्या, import use selector from React से था या वो टूल किट से था, से था शायद, ठीक है। सो नहीं तो अभी एरर आएगा तो पता लग जाएगा। const reduce equals to this state, और ये पूरी की पूरी स्टेट हमें रिटर्न कर दे। तो पूरी की पूरी स्टेट में क्या पड़ा होगा, सब कुछ, स्टेटस सिंगल टू डू टू डूज एरर, ठीक। हमने इसमें से क्या निकालना है, पहले हम इसको कंट्रोल करके देख लेते हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे। सो लॉग बेस, और यहां पे मैं सिर्फ फिलहाल ताकि नजर भी आए ना, राउटिंग भी करनी है अभी दो मिनट में कर लेते हैं। सो इसकी राउटिंग भी करनी है, इसको हम यूं करते हैं और इसको ASYNC async produce no id required और ASY to do async, ठीक। import भी हो गया, अब हमें इसे header में लेके जाना है, और where is the header header components में, header में, और that's gonna be करने क्या आए हम यहाँ पे, अच्छा अच्छा बटन बनाने हैं, ठीक। और इसको async to do है, to do है ASYNC, देख लेते हैं ASYNC इधर है, ठीक हो। So, ये भी आ गया, क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं शो होगा, ओके सॉरी, यहाँ पे इसको ले नीचे, हमें इसको ले इधर, इसको कर दे बंद, इसको कर दे क्लीन, और इसको कर दे ये, ठीक। सो अब जो मैंने कहा था कि हमारे पास जो भी है वो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है, उसमें काउंटर भी है, उसमें टू डूज भी हैं, और उसमें टू डू एसिंक भी है, और टू डू एसिंक क्या कर रहा है, बेसिकली अभी स्टेटस आइडल में है,
और इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे आप अभी तक इसने वो रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, क्यों नहीं रिक्वेस्ट भेजी? हमने फंक्शन नहीं कॉल नहीं किया, ठीक है, तो फंक्शन नहीं कॉल किया तो स्टेटस आइडल में, यानी जो हमारा फ्लो था वो बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जब भी हमें साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है तो, अच्छा उससे भी पहले एक और काम करेंगे, ये काम भी करने से पहले एक और काम करेंगे, हमें साइड इफेक्ट परफॉर्म करना है तो हम कहाँ परफॉर्म करते हैं साइड इफेक्ट? ये काम तो वो था स्टेट को लाने के लिए, मैं इसे मिटाता नहीं, कमेंट कर देता हूँ, आपको दिखा दिए कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, फ्लो ठीक चल रहा है, लेकिन हमें अभी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट करनी है। भाई मिडलवेयर की भी तो हम मतलब पीछे से पिंच करेंगे ना कि भाई जाओ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट, नहीं यूज इफेक्ट नहीं भाई, वो यूज इफेक्ट तो है ही है, फेच टू डूज, भाई ये फंक्शन कॉल करेंगे तो तब जाएगा ना आगे, इस फेच टू डूज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, और ये एक्सपोर्ट एज अ वेरिएबल हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इम्पोर्ट फेच टू डूज फ्रॉम फीचर्स स्लैश टू डू स्लैश दिस, और इस फेच टू डू को हम किस में करेंगे, यू आर नाउ राइट, कि हम इसे कॉल कहाँ करेंगे, यूज इफेक्ट में, ठीक, और यहाँ आए आप और मैं इसे कहूँगा जी यूज इफेक्ट में जाओ, ये काम करो, ये काम करो, ये करो, ये करो, ये करो, फेच टू डूज को क्या ऐसे कॉल कर दो, कैसे करूँ फिर? एक्सियस तो भाई मिडलवेयर कॉल करेगा ना, हमारा कंपोनेंट क्यों एक्सियस को कॉल करेगा, मिडलवेयर बीच में किस मर्ज की दवा है, एक्सियस तो वो कॉल कर ही रहा है, हम यहां से डिस्पैच करेंगे, नहीं हम एक्शन को डिस्पैच करके कहां भेज रहे हैं भाई, मिडलवेयर के पास, तो अगला एक्शन कौन डिस्पैच करेगा, मिडलवेयर, और वो रिमोट से स्टेट लाके लोकल स्टेट में रखेगा, फिर हम यूज सेलेक्टर यूज करने के काबिल होंगे। यस, पहला वाला डिस्पैच हम करेंगे, जो दूसरा वाला वो तो हम करेंगे ही नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं है, वो खुद कर रहा है और हम उसको यूज कर भी चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, यूज सेलेक्टर के साथ ही यूज डिस्पैच, और ये इतना सीधा है नहीं जितना दिखता है ऐसे ही ना, बट आई होप कि मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ जाएगा कम से कम, यूज डिस्पैच, और ये डिस्पैच हम यहाँ यूज करेंगे, किस को डिस्पैच करेंगे। अब हम जब जाएंगे तो उम्मीद है कि जब हम इस कंपन उम्मीद है मतलब अभी भी गुंजाइश है इसकी कि जब हम ये कंपोनेंट रेंडर करेंगे तो हमें कहीं स्टेट नजर नहीं आएगी, लेकिन डेव टूल में स्टेट पॉपुलेट होनी चाहिए, ठीक है, मेरी तवक्को ये है, लेट्स सी, इसको तो हम बंद कर दें, इसका काम नहीं है, वापस आए एक दफ़ा और साथ में पहले ये ओपन कर लें, और वो ऑलरेडी ऑलरेडी आ भी चुका था एक्शन, ठीक है, टू डूज डॉट फेच टू डूज डॉट फुलफिल्ड, और ये सक्सीडेड, और सक्सीडेड के साथ ये टू डूज की अरे भी आ गई, 200 टू डूज पूरी आ गई, बारे को होने बड़ा काम कर लिए एनीवेज सो लेट्स सी, अब ये हम जाएंगे दोबारा यहाँ पे इस पे, तो रिडक्स में दोबारा ये एक्शन आ चुका होगा, देखिए बीच में पेंडिंग से होके गुजरा है, तो क्विक एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आए और ये देखें टू डू एसिंक पे जाएं और इस पे जाके, अच्छा अब इसमें से निकालने का क्या तरीका है जरा देखिएगा, अब चूंकि मैं जब ये कर रहा हूँ ना, जब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो स्टेट में मुझे क्या मिलेगा, टू डूज ही नहीं मिलेगा, मुझे यहाँ पे बी स्ट्रक्चर पढ़ने करना पड़ेगा, टू डू ASYNC, ये बात समझ आई, क्यों, क्योंकि मुझे क्या क्या मिल रहा है, टू डूज एसिंक मिल रहा है रिस्पॉन्स में, और इस टू डू एसिंक के अंदर फिर तीन चीजें हैं, टू डूज स्टेटस टू डू एरर, चार चीजें, बात समझ आ गई, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ये निकाल के टू डू एसिंक तो निकाल लिया, इसके अंदर अब मैं कंसोल करता हूँ क्या आएगा, लेट्स सी, अब ये मुझे कहाँ मिलेगा, कंसोल में मिलेगा, मुझे दोबारा डेव टूल में जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाना चाहें तो जरूर वहां भी मिलेगा, लेकिन अब मुझे ए सिंक में पड़ा हुआ क्या चीज मिलेगी, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे हूं
तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा और सब्जेक्ट में तीनों एरर, स्टेटस, टू डूज और टू डूज। अब ये एम्प्टी एरे है, क्यों एम्प्टी एरे है इसको हम जरा देख पा लेंगे, बल्कि अब आ गया, मैंने रिफ्रेश किया है वंस, तो अब इसने टू डूज, स्टेटस, टू डू और यानी टू डूज में एक अरे है, उस अरे में कितने आइटम्स हैं, 200। टू डू में कुछ नहीं है, स्टेटस सक्सीडेड है, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट्स 3 o'clock, लेकिन आई मीन फ्लो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे ख्याल में आप इसमें से निकालने का मतलब, इसको आप क्या करेंगे, एसिंक में से डॉट टू डू निकालें, तो एसिंक डॉट टू डूज, सॉरी टू डूज निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अरे मिल जाएगी 200 की, और साथ में अगर आपको स्टेटस चाहिए तो यहां से आप क्या निकाल लें, एक ये निकाल लें और एक साथ में क्या निकाल लें, डॉट। तो इस स्टेटस को जांच कर आप लोडर बना लें, अगर इस स्टेटस की वैल्यू फेल्ड है तो आप एरर शो कर दें, भाई एरर है, और अगर इस टू डू की वैल्यू पेंडिंग में है तो आप कहेंगे स्टिल लोडिंग, और अगर इस की वैल्यू सक्सीडेड में है तो ठीक है। और अब जरा देखिएगा, दो चीजें आपको शो होंगी सिर्फ, ये एक सक्सीडेड का स्टेटस और एक अरे, ठीक है। अब ये अरे, वो क्योंकि मैं रिफ्रेश कर रहा था तो बार बार उसको रिफिल कर रहा था। अब इस अरे पे आपने मैप लगाना है, और मेरे ख्याल में अब मुझे आगे नहीं जाना चाहिए, आप खुद कर लेंगे ये काम। तो वैसे भी मेरा प्लान है कि रिडक्स टूलकिट पे ना एक सेपरेट सी छोटी सी 8-10 वीडियो की शॉर्ट प्लेलिस्ट बनाऊं, 5-5 मिनट की, अगर आपको मजीद कंफ्यूजन हुई तो वो भी आ जाएगी आपके लिए। लेकिन अब हम इंशाल्लाह ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, और आपको अगर कोई ऑब्जर्वेशन ना हुई तो यार बहुत हो गया ना, फ्रंट एंड जान छोड़नी चाहिए, बल्कि परसिस्ट अभी भी रहता है, वो एक ही है ना परसिस्ट, वो लोकल स्टोरेज में करेगा। तो चलें देखते हैं कल क्या मूड है, क्योंकि हम ये वाला पार्ट जो है ना, ये जब सारी चीज़ें आके इकट्ठी होती है तो मिक्स हो जाता है सारा कुछ, इसको ज़रा ध्यान से करना है आपने। और मैप शैप लगा लेंगे ना जी, ऑनलाइन में कोई इशू, कोई ऑब्जर्वेशन, खासतौर पे आई वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम समी, मज़े की चीज़ है ना, तुमने रिडक्स स्कोर क्या दी हो जी सर चलो जी ग्रेट, फराज साहब आपका